वो अभी 1 साल का है, लेकिन राखी उसे चाचा बोलेगी। है राखी, चाचा बोलो ना। अभी बहुत जंगलों में बर्फ पड़ी है, उसके नजारे बता देती हूँ। कल का बच्चा पैदा हुआ, अभी हमारा मामा चाचा कुछ भी लग सकता है। तो जब हमारे गांव में शादी होती है, तो जब दुल्हन की बारात जाती है, तो इस गेट के सामने दुल्हन को भेजा जाता है। भाभी बोल दिया, मैं ब्लॉगर है तो कुछ काम भी कर दे। पहले यहाँ साफ करो। अच्छा, बारात आती है। हाँ, आज भाभी की तरफ से है चाय नमकीन, तो सब तो भाभी तो यहाँ पे मकान बनाएगी। जल्दी जाओ ना सफाई करने के लिए। लोग बोल रहे बल तुम लोग बहुत कचमोली खा रहे हो। जय माँ भगवती। दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9:30 बजे से, और अभी मेरी तैयारी हो रही है गाय के साथ जाने की। तो उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत जंगलों में बर्फ पड़ी है उसके नज़ारे बता देती हूँ, और फिर चलते हैं गाय के साथ। तो बर्फ पड़ी है दीबा डांडा, जहाँ ये बर्फ पड़ी है उस जगह को दीबा डांडा बोलते हैं। जो रसलांड दीबा है वो वाली दीबा है ये, तो हमारे यहाँ से कुछ ऐसी दिखती है। बादलों की वजह से भी मंदिर तो नहीं दिख रही, लेकिन थोड़ी बहुत बर्फ दिख रही है। बाकी जंगलों में पड़ी है, बाकी आसपास तो कहीं बर्फ नहीं पड़ी, और थोड़ी बहुत उस वाले जंगल में भी पड़ी है बर्फ। तो जहाँ ये बर्फ पड़ी है उस जगह को खेतली डांडा कहा जाता है, तो थोड़ी बहुत वहाँ भी पड़ी है बर्फ, बाकी तो और जगह तो नहीं है वैसे। बाकी अभी एकदम कड़क धूप लगी है और थोड़ी बहुत हवाएं चल रही है, तो अब देखते हैं आगे दिन में कैसा मौसम होता है। और आज हम गाय के साथ जा रहे हैं उधर साइड, तो आज क्या पता घनघोर ढूंढे, अगर मिलेंगे तो आप लोगों को बता दूंगी, नहीं तो अब क्या करें। तो आज हम गाय के साथ आ रखे हैं अप्पू, पूजा, निधि और रेखा भाभी और राखी, और वहाँ बैठी है मेरी लज्जा भाभी। तो आज हम 5-6 लोग आ रखे हैं, और आज क्यों बोला तू? अरे तो तब उनका लोग तुम तब पछे ना नीचे, तब मैं तुम्हें नौ लेनु छु ना, तुम बो नीचे मेरी, तो अपनी भाभी का नाम ले रही हूँ मैं, तो क्या हुआ है ना। तो आज फिर से हमारी कचमोली बन रही है, और बल लोग बोल रहे सॉरी माल्टे की कचमोली बन रही है, हमारी कचमोली नहीं बन रही। तो सब लोग बोल रहे बल तुम लोग बहुत कचमोली खा रहे हो। तो आजकल कचमोली का सीजन है, और गाय के साथ क्या करना है, अच्छा होता है कचमोली खाना, तो इसलिए हम रोज कचमोली खा रहे हैं। और जिसका कचमोली खाने का मन कर रहा है, वो हमारे साथ गाय चराने आओ। तो अभी बज रहे शाम के 4, और अभी हम जा रहे हैं तलिया की साइड, और बाकी गाय के साथ से आके खाना पीना मैंने सब कुछ खा लिया, और घनघोर आज भी नहीं मिले। और अभी इतनी तेज धूप लगी और दिन में थोड़ी बूंदाबांदी भी हुई थी, और अब हम सब तलिया की साइड जा रहे हैं, क्योंकि तो जो तलिया में शिवालय है उसकी सफाई भी होगी, और जो भगवती मंदिर है उसकी सफाई भी, और शायद थोड़ा बहुत रास्ते की सफाई भी करेंगे। तो बाकी सब लोग तो चले गए सफाई करने के लिए, मम्मी भी चली गई है। तो मम्मी ने कहा तू बाद में आ लेना आराम से वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं अभी आई गाय के साथ से, तो अब जा रही हूँ मैं। तो अबू, राखी और निधि और मैं जा रहे हैं इस साइड से, रोड साइड से। बाकी सब लोग तो तलिया में पहुँच गए, तो अब हम थोड़ा बहुत रोड घूमते घूमते और फिर पहुंच जाएंगे तलिया में, फिर वहां का ब्लॉग बन जाएगा। और ताई जी, दादी और दूसरी दादी घूमने जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हो आप घूमने? रोड में हाँ, मंदिर में जाना था, मंदिर में। अच्छा, तो जल्दी जाओ ना सफाई करने के लिए। हम तो कल जाना, तो पीछे से आ रहे दादी लोग भी और आगे से हम भी जा रहे हैं, तो अच्छा है उनके साथ साथ घूम लेंगे हम भी आज। हमने भी कब घूमना है ऐसे रोड में, वैसे हम ऐसे आते नहीं है कभी, तो कभी कभी मुश्किल से आते हैं हम ऐसे रोड में घूमने। तो आज हमें टाइम मिला है, तो आज हम सभी आए हैं यहाँ पे रोड में घूमने। तो हम सब यहाँ मंदिर के सामने पहुंच गए, लेकिन अभी तक मम्मी लोग आए नहीं, वो आज हमारे गांव के जो गेट है उसके सामने सफाई कर रहे हैं। तो अब उनका कॉल आया है कि आज हम मंदिर में नहीं आ रहे, मंदिर में शायद कल आएंगे, तो बल यहीं आ जा। तो जो हमारे गांव का गेट है आज उधर ही हो रही है सफाई, वहाँ पे कांटे वगैरह कट रहे, तो अब वहीं चलते हैं, फिर वहाँ की सफाई दिखाएंगे अब। तो जो ये हमारे गाँव का मेन गेट है, तो यहाँ से हमारे गाँव की शुरुआत हो जाती है। तो आज सभी लोग यहाँ पे कर रहे हैं सफाई, तो हमारे गांव की ऑल टोटल सारी महिलाएं आ रखी है सफाई करने के लिए, और मेरे आने तक उन्होंने आधी सफाई कर दी है, नहीं तो कांटे पूरे रास्ते तक पहुंच गए थे।
तो सभी लोगों ने इतनी सफाई कर ली और मैं इनके चक्कर में वहाँ रोड में पहुँच गई। मैंने सोचा मंदिर में आएंगे लेकिन ये मंदिर में नहीं आए। आज सभी लोगों ने यहाँ पे की है सफाई। यहाँ पे ऐसे कूड़े में एक फोटो मिली है और ये दीदी बोली है मेरी मम्मी और मेरे पापा की है, लेकिन पता नहीं किसकी फोटो है। हमारा घर तो इधर साइड है भी नहीं, हमारे घर का कूड़ा कहाँ आएगा यहाँ। तो दीदी यहाँ पे सफाई करने का विचार किसका था? सब लोगों का था, सारी महिलाओं का। सबने गांव वालों तो आजकल हमारे गांव वालों के दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, है ना? तो अच्छी बात है ना, सफाई हो रही है, इसमें टाइम पास वाली बात क्या है ना? अरे तो बढ़िया बात जानी, सफाई भी हो जानी, टाइम पास भी हो जाओ। अरे टाइम पास नहीं कर, अरे ले आ। तो वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सभी ने सफाई कर दी और धुआं वगैरह भी लगा लिया। तो जितने वैसे सभी लोग आ गए होंगे कैमरे में, तो सब पहचान लो रहा अपने अपने घर वालों को। सब यहाँ पे अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इधर यहाँ पे तो यहाँ पे पहिया वगैरह भी काट दिया। तो कैसा लग रहा है भाभी सफाई करके? बहुत अच्छा, खुशी महसूस हो रही है। बहुत खुशी। तो कितने अच्छे विचार है कि आप अपनी गांव की सफाई के बारे में सोच रहे हैं आप सभी लोग, और सब अपना साथ दे रहे हैं, सभी लोग आ रखे हैं। तो भाभी तो यहाँ पे मकान बनाएगी, इसलिए भाभी कुछ ज्यादा ही सफाई करनी है। वह तो ये खेत किसका है भाई? ये हमारे, अच्छा तो बस अबर साल बार लग रहा है। ये ठीक बोल तू, बस तो अब सब है तो ब्योल पक्का। तो कैसे लग रहा है दादी सफाई करके? लग रहा है अच्छा महसूस हो रहा है। दीपाली यहाँ साफ करो। अच्छा बारात आती है कोई मानिक जाना दो साथ मिल गए हमारे चौक थी तो जब हमारे गांव में शादी होती है तो जब दुल्हन की बारात जाती है तो इस गेट के सामने दुल्हन को भेजा जाता है। यहां तक मतलब सारे गांव वाले आते हैं, उसके बाद तो दुल्हन और कुछ कुछ लोग ही जाते हैं यहां से रोड तक। और जब दूल्हे की शादी भी होती है तो दूल्हे को भेजने भी यहां तक आते हैं इस गेट के सामने। तो इसलिए यहां पे सफाई होना भी जरूरी है क्योंकि ये गांव का मेन रास्ता भी है। और यहाँ पे जब सारी बारात इकट्ठा होती है तो यहाँ पे सफाई होना भी जरूरी है। तो अच्छी बात है आज सभी ने यहाँ पे सफाई की, और पीछे से धुआं भी आ रहा है, मेरी शक्ल भी अच्छे से नहीं दिख रही और मेरी आंखों के अंदर भी जा रहा है। तो दीदी कैसा महसूस हो रहा है सफाई करके? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। काम भी कर रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, दगड़ू भी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ नहीं। तो कैसा लग रहा है दादी सफाई करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो कैसा लग रहा है दादी? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है? तो कैसा हो रहा है भाभी? अच्छा लग रहा है। अच्छा भाभी ठीक है सफाई करना? तो सबको यहाँ पे गर्मी भी लग गई है और धूप भी लग गई, इसलिए सबकी आवाजें भी नहीं आ रही और कैमरे में शक्ल भी अच्छे से नहीं आ रही। तो बोल भी ले ना, तगड़े हैं भाभी, बोल दिया मैं ब्लॉगर है तो कुछ काम भी कर दे, इसलिए थमो लो। अरे यार भाभी ने तलवार कहाँ से ला रखी है? तलवार ही नशा। अच्छा तो भाभी को यहाँ सबसे कोने में डाल रखा है सफाई करने के लिए और बाकी सब वहाँ खड़े हो रखे हैं कुछ। अरे और ऋतिक भी लगा अच्छे से, ऋतिक उतुन तू नीचे आ जा, तुम जा थम और पकड़ो शाबाश कर कर सब। तो सफाई तो कर ली है सभी लोगों ने और अब यहाँ पे भाभी का घर है तो सभी लोग वहाँ चाय पीने जा रहे हैं। भाभी ने चाय बनाई है तो यहाँ पे सामने भाभी का घर है, तो आज भाभी की तरफ से है चाय नमकीन, तो सब चाय नमकीन। तो काम करने के बाद अब सभी अपने अपने चाय के गिलास पकड़ लिए। तो कैसी बनी है चाय?
अच्छी बनी है कन बनी दीदी बहुत अच्छी बनी ठोस कन कन बनी दीदी तो कैसी बनी है दीदी चाय अच्छी बनी है नमकीन में चाय है वाह डन कैसे दीदी अच्छी बनी है चाय भी है तो कैसा हो रहा भाभी दादी कन उड़ो अरे वो हमारा कूटी बॉय है हाँ? तो कैसी हो रही है बॉडी चाय अच्छी हो रही है तो कैसा हो रहा है भाभी बढ़िया हो रहा तो काम करके सभी लोग चाय पी रहे तो कैसी हो रही है तो कैसी अरे बॉडी तो नमकीन खाने में बिजी हो रही है अरे बनी हुई है चाय काम कर कर अच्छा काट कर हाँ? सारा बैठ गए यहाँ पर थक गए किसी तो हाथ पर कांडा डूब गए किसी का पैर पर कान चुभ गए किसी का पैर पर कांडा आने लगे चाय पी रहे हैं भाई अच्छा बस मस्त हो रही है चाय बस तो सभी लोग काम करने के बाद अब आराम से सभी लोग चाय पी रहे तो अच्छा होता है एक साथ काम करने में मजा है और एक साथ खाने पीने में भी मजा है तो अब मैं भी पीती हूँ चाय वैसे मुझे चाय नहीं दे रहे मैंने काम नहीं किया तो मुझे चाय भी नहीं दे रहे खेल रहे थे तो जो कीर्थार्थ है वो राखी का चाचा लगता है तो गांव में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं वो अभी एक साल का है लेकिन राखी उसे चाचा बोलेगी है राखी चाचा बोलो ना तो राखी के चाचा कितने जवान है किट्टू ए किट्टू मुझे तो दीदी बोलेगा लेकिन राखी उससे चाचा बोलेगी तो गांव में ऐसे रिश्ते होते हैं कल का बच्चा पैदा हुआ अभी हमारा मामा चाचा कुछ भी लग सकता है और लड़की भी हमारी बुआ ऐसे कुछ लग सकती है करे बाय बाय करो जय कह दीजिए प्रणाम कर दे जय बाय बाय कर दे आज बाय कर दे बाय अच्छा का बाय कह लो तो अभी बज रहे शाम के 8 और मम्मी बना रही है रोटी बाकी सब्जी वगैरह मैंने बना ली है तो मैंने सोचा ब्लॉग को भी एंड करती हूँ और कुछ लोगों ने मतलब कुछ लोग मेरे ब्लॉग में कमेंट करते हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में धन्यवाद